सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया और सियासत में भूचाल आ गया। भूचाल आना लाजमी भी है क्योंकि मौसम चुनाव का है, जाति धर्म की बातें हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम का ट्वीट में ये लिख देना कि अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट दो दिन पहले किया, वैसे ही सियासत में अफरा तफरी मच गई। मानो डिप्टी सीएम ने भाजपा की तरफ से ये ऐलान कर दिया हो कि राम जन्मभूमि फैसले के बाद अगला चुनावी मुद्दा कृष्ण नगरी मथुरा होगी। इस ट्वीट का विरोध सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब ने शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने इस ट्वीट पर निशाना साधते हुए भाजपा पर हमला बोल दिया और कहा कि भाजपा ने अपनी हार मान ली है, इसलिए वो धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसे ट्वीट अपने नेताओं से करवा रही है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट का विरोध करते हुए भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर चुकी है। हालांकि ट्वीट का बढ़ता विरोध देख डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस ट्वीट को ट्विटर पर पिन कर दिया और सफाई देने की जगह अखिलेश यादव समेत सभी नेताओं पर हमलावर हो गए। देखिए, ऐसा विपक्ष के जो भी राजनीतिक दल हैं जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और बाद में वह नतमस्तक होते हैं, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी में, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूं, लेकिन मैं श्री अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर सपा के पूर्व विधायक ने एक बड़ा विवादित बयान भी दे डाला। सपा के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान ने कहा कि अयोध्या काशी में निर्माण जारी और इलेक्शन की तैयारी, ये मथुरा की तैयारी नहीं चुनाव की तैयारी है। हाजी ने कहा कि ये वो गिद्ध हैं जिनको मरे हुए का मीट चाहिए और इन गिद्धों का सीजन आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ना ही देश किसी के भी नहीं है, ये वे लोग हैं जो देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। सपा के पूर्व विधायक के इस बयान को लेकर भाजपा कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर विरोध में उतर आए। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट उस समय किया जब कुछ हिंदू संगठनों की धमकी से मथुरा में पहले से दहशत का माहौल है। दरअसल हिंदू संगठनों ने 6 दिसंबर को मथुरा की शाही मस्जिद में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने का ऐलान किया, जिसके चलते कौमी एकता मंच ने सीएम योगी से मस्जिद की सुरक्षा की मांग की। हिंदू संगठनों का दावा है कि शाही मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा कर बनाई गई है, जिसे वो मुक्त करा कर रहेंगे। इस चेतावनी के बाद मथुरा में धारा 144 भी लागू कर दी गई। ऐसे में इस हालात में सूबे के उप मुख्यमंत्री का ऐसा बयान लोगों के अंदर दहशत कम करने की जगह बढ़ा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।